डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, राम राम सर, मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज चैनल। डीपीके न्यूज चैनल की खास पेशकश गांव का मुखिया, गांव ग्राम पंचायत की सरकार, गांव की सरकार में। आज हम पहुंचे हैं तीन पावली और बात करेंगे अमरचंद फौजी जी से, जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे और किन किन विकास के मुद्दों पर वह चुनाव लड़ रहे। तो सर, आपका पहले तो पूरा परिचय। मेरा नाम है अमरजीत फौजी और मैं तीन पावली ग्राम पंचायत का उम्मीदवार हूँ, तीन पावली से चुनाव लड़ रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपको नमस्कार और मेरी पूरी ग्राम पंचायत और मेरी आपके चैनल के माध्यम से राम राम और नमस्कार। सर, बात करें आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या मुद्दे और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले आपका राजनीति परिचय क्या है? मैं 5 साल इस ग्राम पंचायत में वार्ड पंच रहा हूँ और ये 10 सालों से पंचायत में काम कर रहा हूँ। सर, बात करें आज विकास की, क्या क्या विकास के मुद्दे लेकर आप चल रहे हो चुनाव में? मेरी पहली प्रार्थना रहेगी ये कि हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले पानी, साफ पानी और घर घर पानी पहुँचाने का कार्य करूँगा मैं। पानी के लिए जैसे कि पानी, अब तीन पावली ग्राम पंचायत मुख्यालय है, वहाँ पानी नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, पानी डिग्गियों में लोग टैंकरों से डिटवाते हैं, वहाँ फिल्टर नहीं है, गंदा है पानी। पहले तो मैं BADP यहाँ की जो गवर्नमेंट बॉर्डर का एरिया है, BADP बहुत आती है, BADP से मैंने उसको सैंक्शन करवा के और पानी की समस्या दूर करूँगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का क्षेत्र कैसा है आपके ग्राम पंचायत में और इसको बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास की जाएगी? शिक्षा के लिए भी मैं अपनी एक नई योजना बना के लाऊँगा, जो कि हमारे 12वीं तक स्कूल है, जैसे स्टाफ कम है उसको पूरा करवाऊँगा स्टाफ को, और भी हर स्कूल के अंदर मैं मीटिंग रखा करूँगा, यानी कि 1 महीने के अंदर जितने भी टीचर हैं उनको बुला के मैं मीटिंग रखा करूँगा और हर शिक्षा को बढ़ावा दूँगा। सर, आज बात करें ग्राम पंचायत की सड़कों की, सड़कों की कंडीशन कैसे है और आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे सड़कों के सुधारण के? जो सड़क है इनका डमरीकरण करवाऊँगा, या अभी है मुरड़ है या खड़वंजा है, कहीं भी टूटी फूटी है, गली है, नाली है, ये सब दोबारा करवाऊँगा इसको। जहाँ भी मेरे को लगेगा ये नहीं है सही, उसको मैं सही करवाऊँगा। ग्राम पंचायत की बात करें आज किसानों की, तो किसानों के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी योजना है? किसान के लिए जब अब केंद्र सरकार ने जो चलाई है कि हर ग्राम पंचायत में मंडी हो, केंद्र खुलाएंगे, तो उसके लिए मैं जितना भी प्रयास होगा हर ग्राम पंचायत को, किसान को जितने भी दूर ना जाना पड़े, जितनी नज़दीक हो अपनी फसल लेके जाए और बेचे। सर, युवाओं की बात करें, आज युवा पीढ़ी बहुत नशे की ओर ज़्यादा अग्रसित हो रही है, नशे को छुड़ाने के लिए और इसे बंद करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं जरूर, ये बहुत एक लंबी है, युवा नशे के अंदर जा रहा है, दिन पर दिन जो युवा है वो नशे के अंदर लग रहा है। मेरी ये पहली प्राथमिकता भी रहेगी कोई इसको कैसे भी नशे को कंट्रोल करूँ, मेरे पंचायत से बाहर निकालें। मतदाता सूची में युवा पीढ़ी भी आती है, तो युवाओं के लिए आपके क्या प्लान है, क्या करेंगे? जैसे युवा को मैंने खेल के लिए, खेल मैदान के लिए और ये सब जो भी है युवाओं के लिए मैं जरूर करूँगा। अन्य क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे विकास के मुद्दे पानी, बिजली और किसानों के लिए मंडियां और युवाओं के लिए खेल मैदान, स्कूल, चिकित्सा, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर की और की समस्या रहती है, हमारे यहाँ केंद्र बनेंगे, वो बन गया, भवन बन गए, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, उनको लाने का मैं प्रयास करूँगा जरूर। ग्राम पंचायत की जनता आपको चुने, चुनाव आ रहे हैं, क्यों चुने, क्या कर? वो तो चुने, मैं उनके साथ रहूँगा रात दिन और कोई भी सरकारी योजना होगी उन तक लाभ पहुँचाऊँगा, इसके कारण मैं उनके हाथ जोड़ के बैठ सकता हूँ कि मेरी वो मदद करें और मुझे चुने। जैसे भी गरीब के छत नहीं है पक्का, तो प्रधानमंत्री आवास है, जितने भी जिसके नहीं है मैं पहले प्राथमिकता रहूँगी, जिसको चाहिए उसको दिलवाऊँगा। अन्य सर, आगे कोरोना महामारी चल रही है और 10 तारीख को चुनाव भी हैं, तो मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मतदाता को संदेश यही देना चाहूँगा कि जो केंद्र और राज्य की गाइडलाइन है उसी हिसाब से मतदाता केंद्र पर आए और अपना वोट पोल करें। धन्यवाद। आज हमने बात की तीन पावली ग्राम पंचायत से सरपंच उम्मीदवार अमरदीप फौजी जी से। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास किया जाएगा, चाहे शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे। जय तो आने वाला समय बताएगा इस ग्राम पंचायत का आगामी सरपंच कौन होगा। तब तक के लिए देखते रहे डीपीके न्यूज चैनल। डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया।